नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा आसमा। मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी सीधा उनके पास ले चलते हैं। नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मेरा नाम निशि सिंह है और आप अगर मेरा संक्षिप्त परिचय चाहते हैं तो मैं 3-4 लाइनों में यही कहूंगी कि मैं पूरी तरह से कला को समर्पित व्यक्ति हूं और मैं गायिका हूं, नाथ फाउंडेशन की फाउंडर हूं और समाज सेविका हूं। उसके अलावा मैं पोएम भी लिखती हूं और चित्रकार भी हूं। देखिए, आपने बताया कि आप पोएम भी लिखती हैं, चित्रकार हैं, आप एक नाथ फाउंडेशन की फाउंडर हैं जो कि गरीब बच्चों को और काफ़ी लोगों को आपने मदद दी, कोरोना टाइम पे आपने मदद की। इसी प्रकार से आपका संगीत में रुचि है, जो आपने ऐसे संगीत में जिस जो लुप्त होती जा रही है उसमें आपकी रुचि है। जहाँ मैं आज की डेट में अगर कुछ नाम अगर याद रखूँ तो आगे हम चलते चलते बताएंगे उस चीज़ को। तो परिचय इतना नहीं है, इनका परिचय बड़ा है, पर क्या है कि जो काम करना जानते हैं वो अपना परिचय संक्षिप्त में इतना ही बताते हैं कि मेरा नाम निशि सिंह है और मैं इतना। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आपने टाइम दिया। मैं निशि सिंह को जानना चाहता हूँ कि क्या है निशि सिंह, कहाँ से आपके अंदर इतना सारा कुछ है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्यों वो अभी तक पहुँच नहीं पा रहा है। मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी ही तरह और चैनल्स पे भी मेरे इंटरव्यू होते रहते हैं और बहुत सारी जगह पे मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। मैं उन सबकी धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं और उस एक्नॉलेजमेंट के ही उसमें हम मुझे वहाँ पे तरह तरह के चैनल्स पे और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे शिरकत करने का मौका मिलता है। मैम, ऐसा मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट होती है ना वहाँ आप लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब कोरोना में हमने देखा कि बच्चों को स्कूल नहीं थे, आपकी बात काटते हैं, कोरोना में हमारे जो मेरे जो संस्था है उसने काफी काम किया और जहाँ ये शुरुआती दौर की मैं बात बता रही हूँ, कोरोना में जब बहुत ज्यादा उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, फिर फेज टू भी आया जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो बहुत भाया हुआ था, तो उस पहले और दूसरे फेज दोनों में ही शुरू में ही मैंने बहुत काम किया और हमारी पूरी संस्था ने जगह जगह जाकर जहाँ पे पहुँच नहीं पा रही थी बहुत सारी संस्थाएं वहाँ पे जाके हमने बहुत काम किया। जी, आपने जब वहाँ पर काम किया तो आपको क्या महसूस हुआ कि कौन सा दर्द बाकी है, लोगों तक क्या चीज़ नहीं पहुँच पा रही है? बहुत दर्दनाक स्थिति थी क्योंकि मैं उन एरियाज में गई जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच पा रहा था, स्लम एरियाज में, वहाँ पे उनको खाने पीने में उनको प्रोवाइड करवाया, राशन उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं थी, चिकित्सा की ज़रूरत थी। और फेज़ टू के दौरान आप सभी जानते हैं कि किस तरह से क्या मंजर था, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को मैंने हॉस्पिटलाइज जितना मैं कोशिश कर सकती थी मुझसे बन पड़ा मैंने किया, हॉस्पिटलाइज कराया, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराए और एक सर्जन थे जिनका मतलब बचना नामुमकिन था, उनको एक उनके रेजिडेंस से मैंने वहाँ से पिक करवा के उनको फिर हॉस्पिटलाइज कराया और अब वो पूरी तरह से ठीक ठाक हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं मुझे कि उनकी बदौलत मत मेरी बदौलत वो अब आज ठीक ठाक हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है जब इस तरह का बहुत ज्यादा आत्मसंतोष होता है, बहुत खुशी मिलती है सब छोटे छोटे कार्य करके। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है समाज के लिए और मेरे बहुत मुकाम है जहाँ मैं अभी पहुँचना बाकी है, लेकिन ये छोटी छोटी जो आप लोगों में खुशियाँ बांटते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत आत्मसंतोष मिलता है। आपने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, ऐसे भी कोरोना में बहुत सारे ऐसे सामने आए हैं, तो ऐसे बच्चों को आप देख के जो मेरे आप नाथ फाउंडेशन को देखता हूँ ऐसे बच्चों को भी आप लोग अडॉप्ट करते हैं क्या? देखिए, वैसे तो नाथ फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो है हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, म्यूजिक है और जो डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व और प्रमोट करना है, बट उसके अलावा हमारे बहुत सारे समाज सेवा के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं
जिसमें कि हमने 100 बच्चों के करीब हमने स्लम एरिया के बच्चे कल्याणपुरी से अडॉप्ट किए थे, और उनको हम बुक्स और ट्यूशन फी उनकी स्कूल के अलावा उनके ट्यूशन भी करवाते थे और ट्यूशन फी भी प्रोवाइड कराते थे. तो अभी इस दिशा में अनाथ जो बच्चों की आप बात करें उस दिशा में हमने कोई प्रोजेक्ट इस दिशा में नहीं चलाया, बट हम स्लम एरिया के बच्चों को हमने अडॉप्ट किया था. और इसके अलावा ब्लाइंड जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको संगीत की शिक्षा देना, और इसके अलावा जो बहुत सारे डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स हैं और सोशली रेलिवेंट इश्यूज हैं उनको दर्शकों के सामने रखना नाटक के माध्यम से, ये सब हम लोग करते आए हैं. जैसे कि मैं समझ पाया आपको कि ये पहले आपका शौक रहा होगा समाज सेवा करना. देखिए, क्योंकि जो मैं आपके बारे में पढ़ा है कि आप एक आईएएस आप आईएएस की बेटी हैं और घर में जब बोलते हैं ना गोल्डन स्पून के साथ बच्चा पैदा होता है तो उसको लगता है कि मेरी यही स्ट्रीम है और मुझे इसी उसमें जाना है, पर आपने समाज सेवा चुना जो कि सबसे मुश्किल काम है. कारण ये है कि मैंने मेरे जो फादर हैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और सेल्फ मेड मैन हैं, उन जैसा व्यक्ति अपने आप एक प्रेरणा स्रोत है. वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, किस तरह से उन्होंने अपने आप अपनी अपने दम पर उन्होंने मुकाम हासिल किया और फिर वो गोल्डन मेडलिस्ट रहे हैं मेरिट यूनिवर्सिटी से, अपने बूते पढ़े हैं. कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं थी. मेरे फादर जैसे स्टोरीज बताते हैं मुझे कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और वो आईएएस ऑफिसर बने. वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है. तो वो जो उनकी जो कहानी थी उनकी जर्नी थी वो मेरे लिए बहुत आगे इस मेरी लाइफ में काम आई और वहीं से मुझे वो समाज सेवा का जज्बा पैदा हुआ. तो वो भी चाहते होंगे उनकी बेटी भी आईएएस बने. जी बिल्कुल. आपने भी शायद मैंने एग्जाम भी दिया था जी मेंस का, बट मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई क्योंकि उस दौरान मेरी आलोक जी से मुलाकात हुई और हमने शादी करने का निर्णय लिया. तो उस समय मेरी प्रायोरिटी आलोक जी थे और लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जब आप आपके जो ड्रीम्स होते हैं या आप कहें कि आपने जो सोचा होता है वो ना हो के लाइफ कुछ और मंजूर होता है, लेकिन मैं उसमें रिग्रेट नहीं करती हूँ. जहाँ मैं हूँ मैं खुश हूँ. नहीं, रिग्रेट की बात नहीं है, मतलब एक आपने बोलते हैं ना कि इतना बढ़िया आपके सामने करियर था जी. आपने सिर्फ इंटरव्यू से दूर थी आप, अब देने नहीं गए. एक सिलेक्शन एक अलग चीज है, आप देने नहीं गए. चॉइस थी और मुझे लगा कि उस समय मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं आलोक जी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करूं. और फिर मुझे लगा कि क्योंकि आलोक पुलिस में है और अगर हम दोनों ही, मेरा अपना पर्सनल सोचना था कि अगर हम दोनों ही बच्चों मतलब करियर अपना चुनते हैं इस दिशा में तो शायद मैं उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगी अपनी फैमिली पे. इस कारण से मैंने नहीं दिया. बिल्कुल. मैं ऐसे कई पुलिस फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों ही आईपीएस आईआरएस हैं और मतलब उन लोगों को लगता है कि नाउ वी रीच्ड एन फाइनल डेस्टिनेशन, अब तो जो कुछ है मजे ही हैं. पर आपने मजे ना चुन के आपने कष्ट चुना जहां बच्चों की सेवा कर सके ऐसे लोगों को, ये बड़ा मुश्किल काम है मैं ऐसा समझता हूं. और आप लोगों के लिए एक्सेस थोड़ा सा कई बार आसान भी होती होगी ड्यू टू आईएएस फैमिली आईपीएस फैमिली, बट आपने जो काम चुना आपका सराहनीय है. बहुत बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी भी पड़ती होगी इसमें. तो ये तो हुआ आपका यला सफर, अब आपका संगीत वाला जो सफर है उसमें आपको थोड़ा सा संगीत, ये जो आप संगीत कहे हैं कविता है चित्रकारी ये बचपन से ही मेरे अंदर था सब कुछ. ये जो आप हॉबीज टैलेंट कह सकते हैं उसको, वो बचपन से ही था और उसको फिर मेरे जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से नर्चर किया, मुझे संगीत की शिक्षा दिलाई. पेंटिंग में मैंने बहुत मैं पार्टिसिपेट करती थी, वहाँ बहुत सारे मुझे प्राइज मिले और कविता लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया मेरे पेरेंट्स ने. तो धीरे धीरे उसको जब मैं कॉलेज लाइफ में आई उसको और मैंने इम्प्रूव किया पॉलिश किया और मेरी कॉलेज पीरियड के दौरान भी मुझे काफ़ी प्राइजेस मिले पुरस्कार मिले. और शादी के बाद हर औरत की प्राथमिकता फैमिली हो जाती है, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने अपनी सभी पैशन को दरकिनार करते हुए उन पे फोकस रखा. लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहे तो वो जो पैशन था मेरे अंदर वो पैशन तो कभी मरता नहीं है और समय के साथ साथ वो और गहरा होता जाता है. तो फिर मुझे लगा कि ये भी सही समय है कि मैं अपनी सभी कलाओं को रिवाइव करूँ और इस तरह से ये सफर की शुरुआत हुई.
तो जो आपने कॉलेज की बात करी, जो मेरे पास थोड़ा सा हो सकता है मेरे पास ज्ञान कम हो, आप कॉलेज में आप जीना तमान से आपको कंपेयर किया जाता था, ये सच है? अभी भी कभी कभी लोग कर देते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं कि जीना से कंपेयर किया जाता था, और मुझे काफ़ी मॉडलिंग ऑफर भी उस दौरान मिले थे जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने हर तरीके की मुझे लिबर्टी दी, बट जहाँ मॉडलिंग का जब सवाल आया तो उन्होंने इसमें अपनी असहमति जताई, तो मैंने उसको परस्यू नहीं किया फिर। जी संगीत की बात कर रहे हैं तो आप गजल को, गजल आपका मेन वो है, और गजल कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है जी। अगर हम गजल की बात करें तो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, और एक नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, पंकज उदास, ये दो तीन नाम ऐसे हैं जो लोगों को अक्सर याद रहते हैं। आपने वो बीड़ा उठाया कि नहीं ये लुप्त हो रहा है, इसको आगे लेके जाना है जी। जैसे कि मैंने बताया कि नाथ फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे ले जाना है, और फिर इसी दौरान मैंने कई सारे प्रोग्राम्स कराए थे जिसमें कि जितने भी जो गजल सम्राट जिसे कहा जाता है गुलाम अली साहब, उनके कॉन्सर्ट कराए मैंने, और उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन ने उनके कॉन्सर्ट कराए। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि गजल जो है वो लुप्त होती जा रही है, और आजकल का जो यूथ है उसको सुनता तो जरूर, आप ये नहीं कह सकते आप इसे अपने कहा नई जनरेशन, हाँ नई जनरेशन बिल्कुल, बट मुझे लगता है कि ये चीजें कभी लुप्त हो नहीं सकती। हाँ ये जरूर है कि उसके जो श्रोता है वो कम होते जा रहे हैं, बट अभी मुझे लगता है कि आजकल जो संगीत का दौर है फिर से जो जैसे सूफी संगीत है वो काफी लोग पसंद करते हैं, तो उसी तरह से गजल जो है उसका जो है दौर कभी जा नहीं सकता। ये जरूर है कि हाँ जो आजकल का यूथ है उसको ज्यादा पसंद करता है। तो इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि वो लोगों तक पहुंचे। और जहां तक मेरे गाने की बात है, मैं सभी तरह के गाने गाती हूँ, गजल भी गाती हूँ, रोमांटिक भी और सूफी भी। आपका रोमांटिक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था जी यूट्यूब पे, आपने जी दर्द कितना है लास्ट मेरा सॉन्ग जो रिलीज हुआ था, दर्द कितना टाइटल से हुआ था, और उसमें जो बहुत पॉपुलर चेहरा है मनीष पॉल जी, उन्होंने उसमें अभिनय किया था। और अभी मेरा एक गाना और रिलीज होने जा रहा है वैलेंटाइन डे के आसपास, तुम्हें पाकर उसका शीर्षक है। अच्छा, वो भी टी सीरीज लॉन्च हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि गाना भी बहुत सॉफ्ट नंबर, बहुत अच्छा नंबर है, पसंद आएगा। वैसे आपका गला खराब है पर फिर भी बिल्कुल ही गाया नहीं जाएगा मुझसे, मैं एक लाइन कोशिश करती हूँ। जी जी, कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जान, आयरे में तेरे कुर्बान। बहुत ही सुंदर आपने थोड़ा सा सुनाया, बट आवाज पता लग गया कि अंदर काफी कुछ है। आलोक जी का कितना सपोर्ट मिलता है आपको आपके करियर में? आलोक जी का 100% मैं कहूँगी सपोर्ट मिलता है मुझे, और शादी के बाद एक अपने जीवन साथी का सपोर्ट, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट देना बहुत ही महत्व रखता है। तो आजकल मतलब जिस तरह से दिल्ली पुलिस कई बार प्रेशर में होती है, तो घर पे वो प्रेशर नजर आता होगा, तो कहीं लगता होगा कि आपको कि जी, एक आईपीएस ऑफिसर की वाइफ की जो लाइफ होती है बहुत चैलेंजिंग होती है। आम तौर पे लोग उसका वो पहलू देखते हैं कि आपके लिए, मतलब लोगों में नोशन है कि आप आईपीएस की वाइफ है तो आपके लिए सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ जो है बहुत ही सुकून भरी है, आपको सब कुछ मिल चुका है। डाउन द लाइन आप लोगों को जो उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज को भी आपको सोशली एक्टिव रखना पड़ता है। जी बिल्कुल, और दूसरा कहना चाहती हूँ कि आम जनता में पुलिस की जो छवि थी, अभी तो कुछ कोरोना जब हुआ तो दिल की पुलिस स्लोगन आया, और तब मैंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया भी था कि जो दिल्ली पुलिस है वो हमेशा से दिल की पुलिस थी, ऐसा नहीं था कि वो पहले कुछ और उसका फेस था। वो जो आपको कहें कि आपका ये जो कोमल वाला जो पक्ष था वो पुलिस का तब आया सामने जब कोरोना के दौरान दिल्ली पुलिस ने इतना काम किया। सोशली आप लोगों को काफी कुछ करना पड़ता है जो लोगों को नहीं पता रहता है, कि आपके जो एज अ जॉइंट सीपी होने के बावजूद उनके डाउन द लाइन इंस्पेक्टर, डीसीपी एंड ऑल, उनकी फैमिलीज के साथ भी गेट टुगेदर आपको करने पड़ते हैं, है ना? तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें की सीनियर ऑफिसर्स की वाइफ
हमारे 12 सेंटर हैं या वेलफेयर सेंटर है, उसमें जो डीसीपीज की वाइफ, डीसीपी लेवल की वाइफ जो होते हैं, मतलब डीसीपीज की वाइफ, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो सीनियर है वो अपनी ऑफिसर्स की वाइफ, वो अपनी गाइड, उनको गाइड करती है। तो काफ़ी वेलफेयर सेंटर्स में काफ़ी अच्छा काम होता है, और स्किल डेवलपमेंट, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बच्चों को, और जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके स्टाफ, उनकी वाइफ्स को सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहता था कि मतलब एक पुलिस फैमिली में ये सारे काम भी करने पड़ते हैं, अरे ये मैंडेटरी काम है जो करने हैं, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, लोगों को लगता है कि इसकी अध्यक्ष हमारी जो पुलिस कमिश्नर की वाइफ है वो होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपके नक्शे कदम पे आपके सुपुत्र जी, आपको पीछे पीछे आपके चल रहे हैं, माँ के पीछे पीछे सुपुत्र ने, उनका उनकी रुचि नहीं रही कि मैं पुलिस में जाऊँ या आईएएस बनूं या माँ के पीछे सिंगिंग में चले गए? देखिए वो मेरा जो, मेरे दो बच्चे हैं, बेटा बड़ा है और उसने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, फिर उसने रैप चुना, हमारे लिए ये नई चीज़ थी और एक सरप्राइज भी था, क्योंकि उसने कभी ऐसा इंक्लिनेशन मुझे नहीं दिखाया कि उसे म्यूज़िक पसंद थे कुछ है। कुछ महीने पहले ही हमें सरप्राइज के रूप में ये पता चला कि वो एक अच्छा रैपर है और बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, उसके हिंदी, इंग्लिश और उर्दू पे बहुत अच्छा कमांड है। तो आप गुरु शिष्य वाले उसमें भी आप काफ़ी, मेरे को जो सुनने में आया आपके बारे में कि आप परंपरा में विश्वास रखती हैं, तो आप अपने बेटे की गुरु हैं एज अ माँ नहीं सिंगिंग में? गुरु कह सकते हैं मैं, वो अपना जो लिखता है, वो जो क्रिएट करता है म्यूजिक को अच्छा से कंपोज भी कर लेता है और लिखता भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले वो मुझे सुनाता है और मेरी उस पर राय जानना चाहता है, मैं उसको बताती हूँ कि कहाँ वो और इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, कभी घर में संगीत का माहौल चल रहा है, पति परेशान होके बाहर से आ रहे हैं, बड़ा प्रेशर है, तो उस टाइम पे आपका बहुत कम लोगों को पता है कि आलोक जो है अच्छे म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। अच्छा, वो गाते नहीं है लेकिन उनको शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है, और वो बहुत ही, मतलब जो म्यूजिक है उनका, जो लेवल अभी जो सुनते हैं वो एक अलग ही लेवल है। तो म्यूजिक से वो परेशान नहीं होते बल्कि उनको सुकून पहुंचाता है, जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो अक्सर वो म्यूजिक सुनते हैं, असली सुनते हैं, अच्छा शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, इस तरह से उनका स्ट्रेस कम होता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि कभी वो म्यूजिक से परेशान नहीं हुए। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम मतलब उनके पास कभी जाएं तो हम गाना वाना मतलब उनसे फरमाइश कर सकते हैं कि सर दो लाइन गुनगुना दीजिए। गुनगुना की तो नहीं आपको सुनाई क्योंकि ये तो मैंने कहा कि वो गाते तो नहीं है बट उन्हें संगीत की बहुत अच्छी नॉलेज है जी। चलते चलते आप थोड़ा सा नाथ फाउंडेशन के बारे में, आगे के आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा उस बारे में, ताकि हम दर्शकों तक आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा पाएँ और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आप तक पहुँच पाएँ। जी, ज़रूरतमंद लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, मेरा पेज है, फेसबुक पेज है नाथ फाउंडेशन, आप टाइप करेंगे तो उस पर आप हम रीच कर सकते हैं, और उसमें नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर। और उसके अलावा जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन काफ़ी बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ज़रूरतमंदों के लिए भी। उसके अलावा जो हमारा मैंने जैसे आपको बताया कि कला और संस्कृति को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और मेरे अभी पाइपलाइन में हैं, और उसमें हमें बहुत अच्छे इमिनेंट पर्सनालिटीज उसको सपोर्ट करेंगी। जी, तो इसमें कई न्यूकमर्स को भी आप मौका देते हैं? जी बिल्कुल। चलिए मैं भी दर्शकों को बता दूं, न्यूकमर्स हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपने टैलेंट को आप थ्रू वीडियो और व्हाटएवर माध्यम से आप भेज सकते हैं, कैसे भी सीडी जैसे भी भेजना चाहें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप कर सकते हैं। ये थी हमारे साथ निशी सिंह, जो बड़ी शालीनता से इन्होंने अपने बारे में बताया, महसूस नहीं होने दिया कि ये कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और हम मैं चाहूँगा कि हमेशा ये ऐसे ही रहें, इन ईजी अप्रोचेबल रहें, कोई भी आए इनसे अपनी समस्या के बारे में बात करें और इनसे हमेशा इसी तरह से बात करके अपनी समस्याओं का निदान कर पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपसे फिर मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बाद, और आपके प्रोजेक्ट के बारे में हम अपने अपने कार्यक्रम द्वारा हमेशा बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे मेरे आसमां में हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने निशी सिंह जी को जाना। अगली बार किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।